को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूपक ताल की कुछ प्रोफेशनल लगियां। रूपक ताल सात मात्रा की ताल है, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। तो किसी भी लगी को रूपक ताल में बिठाने के लिए हमें उसे सात के सर्कल में बिठाना होगा। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए देखते हैं आगे का लेसन। आज की पहली लगी है आज की पहली लगी। अब इसको विस्तार से देखते हैं। धान धा धा ती धीन धा ती धीन धा तीन धा धा ती तीन धा तीन धा धा ती तीन धान धा धा ती तीन धा ती तीन धा तीन धा धा ती तीन धा तीन धा धा ती तीन धान धा धा ती धीन धा ती धीन धा तीन धा धा ती तीन धा तीन धा धा ती तीन धान धा धा ती तीन धा ती तीन धा धा ती तीन धा तीन धा धा ती। अब इस लगी का एक एक बोल देखते हैं। धा न धा बाहर बजेगा, न तीसरी फिंगर से। धा न धा धा ती धा धा ती धा धा ती त सेंटर में बज रहा है। धा न धा धा ती तीन तीन इसमें मैं खुला बजा रहा हूं। ती न न तीसरी फिंगर से। तो बोल है धा न धा धा ती धीन, मैं इसमें खुला बोल बजा रहा हूं और साथ में डग्गा। धीन धान धा धाती धीन धाती धीन तधीन धा धाती धीन तधीन धा धाती धीन धा धान धा धाती धीन धीन खुला है। धान धा धाती धीन धाती धीन धाती धीन धाती धीन त इसमें मैं दबा रहा हूं। तधीन धा धाती धीन तधीन धा धाती धीन धा। तो ये इसका एक पल्ला हो गया। दूसरा इसका पूरा खाली पल्ला बजेगा। तान ता ताती तीन ताती तीन तीन ता ताती तीन धा तीन धा धाती धीन धा। अब पूरी लगी को एक स्लो टेम्पो पे देखते हैं। धान धा धाती धीन धाती धीन तधीन धा धाती है हमारी पहली लगी। अब इसको एक अच्छी टेम्पो पे बजा के देखते हैं। ये थी हमारी पहली लगी। अब बढ़ते हैं दूसरी लगी की तरफ। दूसरी लगी, इसके बोल देखते हैं। धा धी ट त धीन धा ती धीन धा ती ट धी ट त धीन ता ती धी ट त तीन ता ती ट त तीन ता ती तीन ता ती ट धी ट त तीन
इन बोलों को विस्तार से देखते हैं। इस लगी में धा के बाद एक ब्रेक है। धा भिटत दिन, धा भिटत, बोल है भी ट त, राइट हैंड से तिट वर्ड बज रहा है भिट त, भी ट त, और पहले बोल के साथ डग्गा ऐड हो रहा है। धा भिटत दिन, धा भिट त दिन, धिन खुला बोल है और न तीसरी फिंगर से बज रहा है। धा भिटत दिन धाती दिन, धा भिटत दिन धाती दिन, धा ती धा बाहर और ती शाही के सेंटर पे। धा भिटत दिन धाती दिन धाती त भिटत दिन ताती त भिटत दिन ता, धा ती त दी त त दिन ता ती त ती त धिटत बोल सबको पता है। अब पूरा एक पल्ला देखते हैं। धा धिटत धीन धाती धीन धाती ट धिटत धीन धाती ट धीन ता धिटत तीन ताती तीन ताती ट धिटत तीन ताती ट धिटत तीन धा। अब इस लगी को एक अच्छी टेम्पो पे बजा के देखते हैं। ये थी हमारी दूसरी लगी। अब बढ़ते हैं तीसरी लगी की तरफ। तो ये है हमारी तीसरी लगी। अब इसके बोलों को विस्तार से देखते हैं। धाती गीन धाती गीन धाती 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 गीन धाती धाती गीन धाती धाती तीन ताती ताती गीन ताती गीन ताती ताती गीन ताती गीन ताती ताती गीन धाती धाती धीन धाती धा। इन बोलों को स्लो टेम्पो में देखते हैं। धाती गीन, अब इसमें ती बोल को ज्यादा स्याही के ऊपर नहीं लेके जाना, उसको किनार पे ही दबाना है। धाती गीन धाती गीन धाती गीन धा ती ग न, ग बज रहा है पहली फिंगर से और न बज रहा है तीसरी फिंगर से। तो बोल है धाती गीन धाती गीन धा ती गी न धाती गी न धाती गीन धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती तीन ताती ताती गीन ताती गीन ताती ताती गीन ताती गीन ताती ताती धाती धाती धीन धाती धा। सबसे पहले है धाती गीन धाती गीन, दो बोल हो गए। धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन दो बार है ये। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन धाती गीन धाती धाती धीन धाती, लास्ट में है धाती धाती धीन धाती 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 धीन धाती। धिन फिर से खुला बोल है धी न धा धी। अब पूरा बोल है धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन धाती गीन धाती धाती धीन धाती। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको कहीं लिखिए, नोट डाउन कीजिए और इसको बार बार पढ़ के बजाइए। ये सिर्फ याद करने की बात है, याद करने के बाद हाथों में बहुत आसानी से आ जाएगा। एक बार बिना रुके इन बोलों को स्लो टेम्पो पे देखते हैं। धाती गीन धाती गीन धाती धाती गीन धाती धाती गीन धाती गीन धाती धाती धीन धाती ताती गीन ताती गीन ताती ताती गीन ताती गीन ताती ताती गीन धाती धाती धीन धाती धा। अब इसको एक अच्छी टेम्पो पे बजा के देखते हैं। Thank you.
ये थी रूपक की कुछ लगियां। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स पे अपनी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।